एसएसजी अस्पताल के रुक्मणी चैनानी प्रसूति गृह में डॉक्टर की लापरवाही और देरी से मिल रहे इलाज के अंतर्गत महिला ने मृत अवस्था में बच्चे को जन्म देते हुए परिवार ने डॉक्टर की लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। एसएसजी अस्पताल के रुक्मणी चैनानी प्रसूति गृह में डॉक्टर की लापरवाही और देरी से मिले इलाज अंतर्गत आज एक नवजात बच्चे की मौत होने के परिवार द्वारा आरोप लगाते हुए हंगामा देखने को मिला था, जिसमें गर्भवती धर्मिष्ठा बेन जीगर राणा को पिछले 3 दिनों से एसएसजी अस्पताल के रुक्मणी चैनानी प्रसूति गृह में भर्ती किया गया था। कल रात गर्भवती महिला को दर्द होते हुए डॉक्टर को कहा गया, लेकिन डॉक्टर द्वारा ऊपर जाओ बाद नीचे जाओ वैसा कहते हुए इलाज में बढ़ती गई देरी के कारण बाद महिला की देरी से डिलीवरी की गई, जहां महिला ने मृत अवस्था में बच्चे को जन्म देते हुए परिवार ने रुक्मणी चैनानी अस्पताल के डॉक्टर की गंभीर लापरवाही और बच्चे की मौत के आरोप डॉक्टर पर लगाते हुए रोष व्यक्त किया था। हमारा धर्मिष्ठा जिगर भाई राणा ने रात 3 दिवस दाखल करे 3 दिवस तो 3 दिवस दाखल करे काले रात दुखावो थो रात दुखावो थे कारण दुखावो थो दुखाव थो रात तो ये लोगों कीधु के रात दुखे तो भी 3 माड़ चढ़ी ऊपर गया ऊपर थी गया नीचे आया तो भी नीचे वाला एवं कहे कि ऊपर वाला जो है ऊपर वाला के नीचे गए थे एक बीजा पर नागे एक बीजा काले रात मारी वाइफ की डिलीवरी थी गई होत तो अतर मारो बाड़क जीतू होत एम निष्कारजी ने कारण अतर मारो बाड़क अमरा हाथ में नहीं रू लगे डॉक्टरों ने निष्कारजी लगे कारण के बाड़कों ने थू हे આ લોકો નિષ્કારજી ને કારણે પોલીસ ફરિયાદ કરવાની છે મારું નામ રાણા જીગર બેન જીગરભાઈ રાણા 3 દિવસ એડમિટ થયેલા હતા અને એમને ડિલિવરી કરવાની હતી 3 દિવસ દુખાવો થતો હતો શરીરમાં પણ એ લોકો ડોક્ટર કોઈ નિષ્કાળજી લીધી નથી એમને કાળજી એટલે રાતે દુખાવો થતો હતો